आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो भुजाओं एबी, बीसी और एसी को क्रमशः पी, क्यू और आर बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि एबी घटा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, एबी घटा एसी बराबर 2 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है, तो पीबी जमा एआर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक वृत्त है मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये वृत्त के मतलब ये किसी आपके एक त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, तो वृत्त हमारा त्रिभुज के अंदर है इस तरह से। ठीक है, तो ये त्रिभुज ए बी सी है, इसके अंदर वृत्त है। तो जो भुजा ए बी है, ठीक है, वो पी पे, बी सी क्यू पे और ए सी हमारी आर पे स्पर्श करती है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ए बी घटा बी सी है, अगर मैं ए बी में से बी सी को घटाता हूँ, ठीक है, तो ये है हमारा 4। ठीक है, और जो हमारा ए बी, ठीक है, घटा ए सी है, तो ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो त्रिभुज का परिमाप है तो वो दिया हमारा 32, मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ ए बी जमा बी सी जमा सी ए, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है त्रिभुज का परिमाप, ये है 32, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि पी बी और ए आर, पी बी और ए आर का, ठीक है, पूछ रहा है मान। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिएगा जो हमारा ए बी है, ठीक है, मान लीजिएगा वो एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए बी बी सी निकालूंगा, अगर मैं मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 में अगर देखता हूँ बी सी का मान हो जाएगा हमारा ए बी, ए बी हमने कितनी मानी है एक्स, ठीक है, ए बी हमारी है जी कि एक्स घटा 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे समीकरण 2 से ए सी का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स घटा 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए बी जमा बी सी जमा ए सी, इन तीनों का अगर मैं सम करता हूं, ठीक है, ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ठीक है, ये बराबर है हमारे एक्स, ये 3x हो जाएगा, 3x घटा 6 बराबर है हमारा कितने, 32 के बराबर। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 32 और 6 38 बटा 3 हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि हमारा ए बी का मान आ जाएगा इतना, कितना, 38 बटा 3, इसे हम ए बी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब पूछ रहा है ये पी बी, मतलब पी बी पूछ रहा है, ये हमारा पी बी हो गया जमा ए आर, तो देखिए ए आर हमारा किसके बराबर है, ए आर हमारा है बराबर, यहाँ पे लिखते हैं ए आर बराबर है पी ए के, तो मैं ए आर की जगह पी ए लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पी ए। ठीक है, तो पी बी जमा पी ए, ये हो जाएगा हमारा ए बी, जो कि हमारा एक्स है और जो कि हमारा 38 बटा 3 सेंटीमीटर आया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प जो है हमारा विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।